हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। टू लूप्स पी एंड क्यू आर मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है उसका, ठीक है। द रेडियाई ऑफ पी एंड क्यू आर आर वन एंड आर टू रेस्पेक्टिवली, एंड देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस ऑफ नॉर्मली थ्रू द सेंटर आर आई वन एंड आई टू रेस्पेक्टिवली। इफ आई टू अपॉन आई वन फोर, देन फाइंड आर टू अपॉन आर वन। देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि मेरे पास दो लूप बनाए मैंने, पी और क्यू, सर्कुलर लूप। एक लूप मैंने ये ना दिया, सर्कुलर लूप, और इसकी रेडियस है आर वन, ये पी लूप है। मेरे पास ये दूसरा लूप है ऐसे क्यू, इसकी रेडियस है आर टू, और ये दोनों लूप बनाए गए हैं यूनिफॉर्म वायर से। यूनिफॉर्म वायर का मतलब कि जैसे इसको अगर मैं ये काट दूं और सीधा कर लूं ऐसे, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सब जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, इसकी रेडियस बराबर होगी। किसकी? वायर की रेडियस, वो सर्कुलर लूप की रेडियस है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। लेकिन इसकी लंबाई कैसी होगी? अगर इसको मैं काट दूंगा तो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर इसकी लंबाई आएगी, तो इसकी लेंथ जो आएगी ये वाली एल वन, वो टू पाई आर वन आएगी। ऐसे इसको मैं काट दूं, इसको भी सीधा कर लूं ऐसे, तो यूनिफॉर्म एरिया, ये दोनों जो लूप बनाए गए ना, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म बार का मतलब, प्रोसेस को मोटा करके दिखाऊं ऐसे, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसकी जो रेडियस है ये वायर की, ये सब जगह बराबर होना चाहिए ऐसे। दैट मीन्स ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको, ये सेम होना चाहिए, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म वायर। बट रेडियस इसकी, यहाँ से काटेंगे इसकी रेडियस छोटी, तो इसकी लंबाई भी छोटी होगी, एल टू, टू पाई आर टू, ठीक है ऐसे। बस यूनिफॉर्म वायर का मतलब ये है। अब क्या करना है सर? तो करना क्या है? अब तो लिखें क्या? इसका मोमेंट अपने से लिख दो, इसके एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले इसके अबाउट, ऐसे इसका लिख दो, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट अपने से इसका ऐसे। तो कितना होता है? तो रिंग का लिख लेता हूँ, इसे बोला गया है आई वन, पी का आई वन बोला गया है, तो आई वन इज इक्वल टू, अब मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है वायर का, कि वायर का मास कितना है, तो लेट का लेते हैं, इसका मास एम वन है, लेट किया है गिवन नहीं है, इसका मास एम टू है, बस यही तो निकालना है इसमें, यही कंसेप्ट है बस केवल। एम वन अभी तो लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम वन इंटू आर वन का स्क्वेयर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद आई टू इज इक्वल टू एम टू आर टू का स्क्वेयर, ठीक है। अब मास अगर मैं निकाल लूँ तो काम बन जाए, तो मास कैसे निकालूँ? इस वायर को मैंने कट करके सीधा कर लिया, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम यहाँ से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम लिखे हैं वायर का तो एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम लिख सकते हैं कितना, एरिया इंटू लेंथ, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो रो ए लेंथ कितनी है इस वाले वायर की? इस वाले वायर की लिखें, तो चलो अगर मैं मास लिखना चाहूँ इस वाले वायर का, इस वाले फॉर्मूले से ले सकते हो आप, तो मास लिखना चाहो तो एम वन इज इक्वल टू रो, एरिया तो सेम है, और यूनिफॉर्म वायर का है मतलब मटेरियल भी सेम होना चाहिए दोनों लूप का, कुछ मैंने बोला तो नहीं है, बोलना चाहिए था। यूनिफॉर्म वायर का मतलब सेम वायर है, सेम एरिया प्रोसेसन का, ठीक है ना, लेंथ अलग है बस केवल, ठीक है। चलिए, एक ही जैसे वायर से बनाया है तो रो इंटू ए, और लेंथ कितनी बेटा इसकी? टू पाई आर वन। ऐसे इसका मास लिखूं तो एम टू इज इक्वल टू रो ए, रो एंड ए सेम क्योंकि तो मटेरियल दोनों का सेम है। यूनिफॉर्म वायर मतलब एक ही वायर से बनाया है बट अलग अलग रेडियस के बनाया है, इसकी रेडियस अलग होगी तो लंबाई अलग अलग हो जाएगी बेटा अपने आप, इंटू टू पाई आर टू। बस एम वन एम टू की वैल्यू आप यहाँ रख दो, और देखो आई टू अपन आई वन कह रहा है,
तो इसीलिए क्या निकालूँ, इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन, और सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट करो, आई टू अपॉन आई वन इक्वल टू कितना, एम टू आर टू का स्क्वायर ओवर एम वन आर वन का स्क्वायर। एम टू की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली रो ए टू पाई आर टू और आर टू का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट कर दो रो ए टू पाई आर वन और आर वन का स्क्वायर। देखो ये इससे कट गया, ठीक है। आई टू पर आई वन की वैल्यू कितनी बेटा, फोर, तो इसकी वैल्यू फोर पुट कर दो आप यहाँ पे, इजिकल टू देखो ये कितना हो जाएगा आर टू की पावर क्यू, और ये भी कितना हो जाएगा आर वन की पावर क्यू। तो अब जब आप इस क्यूब को इस साइड में लेके आओगे तो आप ऐसे ले सकते हो, पहले तो आर टू अपॉन आर वन पूरे की पावर क्यू, जब क्यूब को इस साइड में लेके आओगे तो आर टू अपॉन आर वन कितना हो जाएगा फोर की पावर, जब इस साइड में लेके आए तो वन बाई थ्री, देखो ये आ गया। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।